दोस्तों 2 लाख रुपए अगर आपका बजट है और उसमें आपको एक बेस्ट बाइक लेनी है तो अभी इंडियन टूलर मार्केट में काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और कुछ न्यू बाइक्स भी मार्केट में लॉन्च हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट बाइक्स के बारे में जिनको आप 2 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस टैग के अंदर ले सकते हो, यानी कि 2 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस में सबसे बेस्ट बाइक्स मार्केट में कौन सी हैं, उन सभी बाइक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट नंबर से। 10th नंबर पे है सुजुकी की जिक्सर SF, जो एक फुल्ली फेयर्ड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है। और जिक्सर SF का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट और इंजन रिलायबिलिटी काफी अच्छी है। इस बाइक के अंदर आपको 50 KMPL के आसपास की माइलेज भी बड़े आराम से मिल जाएगी। बाइक का राइडिंग पोस्चर भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, काफी कंफर्टेबल है और बाइक पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल रहेगी। इस बाइक का एक ही स्टैंडर्ड मॉडल है जिसका एक्चुअल प्राइस है 1,37,000 और ऑन रोड प्राइस है इस बाइक का 1,70,000। बाइक के अंदर 155 cc का एयर कूल्ड इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर है 13.6 PS। टॉर्क आउटपुट है 13.8 Nm विद 5-speed ट्रांसमिशन। बाइक के ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है। इलेक्ट्रिकल फीचर्स बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है क्योंकि फ्रंट में काफी अच्छी LED हेडलाइट है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और रियर में LED टेल लाइट है। और बाइक के अंदर काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं क्योंकि फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर है और रियर में 140 सेक्शन का टायर है। सो अगर आपको एक फुल्ली फेयर स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक लेनी है जिसमें आपको माइलेज काफी अच्छी मिल जाए तो फिर आप सुजुकी की जिक्सर SF के साथ जा सकते हो। दोस्तों इस लिस्ट में सुजुकी की जिक्सर नेकेड बाइक नहीं है क्योंकि सेगमेंट के अकॉर्डिंग उस बाइक का प्राइस काफी ज्यादा है और इसी वजह से वो बाइक वैल्यू फॉर मनी नहीं है और इस लिस्ट में भी नहीं है। अब बात करते हैं 9th बाइक के बारे में। सो इस लिस्ट की 9th बाइक है होंडा की हॉर्नेट 2.0, जो कि एक टिपिकल नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है। और हॉर्नेट 2.0 का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि बाइक की इंजन रिफाइनमेंट और इंजन रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है, साथ ही उस बाइक की माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। बाइक के अंदर आपको 45 KMPL की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। बाइक के अंदर इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि फ्रंट में काफ़ी अच्छी LED हेडलाइट है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, LED इंडिकेटर्स हैं और एक्स शेप्ड LED टेल लाइट है। बाइक का राइडिंग पोस्चर भी काफी कंफर्टेबल है और बाइक पिलियन के लिए भी काफी कंफर्टेबल है। बाइक के स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,35,300 और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1,65,000, यानी कि 1,65,000 रुपए के अंदर आप होंडा की हॉर्नेट 2.0 परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर 184.4 cc का एयर कूल्ड इंजन है जिसकी पावर है 17.26 PS। टॉर्क आउटपुट है 16 Nm विद 5-speed ट्रांसमिशन। बाइक के अंदर काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स भी हैं। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर है और 140 सेक्शन का रियर टायर है। साथ ही बाइक की सबसे बड़ी USP ये भी है कि इसके अंदर फ्रंट में काफी अच्छे प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं, रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। तो दोस्तों ये थी 9 नंबर पे होंडा की हॉर्नेट 2.0। अगर आपको होंडा की ही बाइक लेनी है तो फिर आप होंडा की हॉर्नेट 2.0 के साथ भी जा सकते हो। अब बात करते हैं इस लिस्ट की 8th बाइक के बारे में। इस लिस्ट में 8th नंबर पे 2 बाइक है जो है बजाज की पल्सर NS200 और RS200। NS200 एक टिपिकल नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है और RS200 एक टिपिकल फुली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है। दोनों बाइक्स के अंदर सेम इंजन है और सेम कंपोनेंट्स हैं। दोनों बाइक्स के अंदर आपको 45 KMPL के आसपास की माइलेज मिलेगी और दोनों बाइक्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों बाइक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और दोनों ही बाइक्स अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन है। दोनों ही बाइक्स के इलेक्ट्रिकल फीचर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं क्योंकि दोनों बाइक्स के अंदर हेलोजन हेडलाइट है, एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और LED टेल लाइट है, लेकिन दोनों बाइक्स के ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफ़ी अच्छे हैं। NS200 का एक ही स्टैंडर्ड वेरियंट है जिसका एक्शोरूम प्राइस है 1,41,000 और बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1,70,000। RS200 का भी एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट है जिसका एक्शोरूम प्राइस है 1,70,000 और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 2 लाख रुपए। दोनों बाइक्स के अंदर 199.5 cc का फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड इंजन है जिसकी पावर है 24.5 PS। टॉर्क आउटपुट है 18.7 Nm विद 6-speed ट्रांसमिशन। सो दोनों ही बाइक्स के अंदर लिक्विड कूलिंग भी है, साथ में 6-speed ट्रांसमिशन है जिसकी वजह से दोनों बाइक्स की टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो ये थी 8th नंबर पे बजाज की पल्सर NS200 और पल्सर RS200। अब बात करते हैं इस लिस्ट की 7th बाइक के बारे में, जो है हीरो की एक्सपल्स 200 और एक्सपल्स 200 4V। दोस्तों हीरो की एक्सपल्स 200 एक टिपिकल एडवेंचर टूरर टाइप की मशीन है और इस बाइक के 2 वेरियंट्स हैं जिसमें स्टैंडर्ड वेरियंट का एक्शोरूम प्राइस है 1,27,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,52,000 और एक्सपल्स 200 4V का एक्शोरूम प्राइस है 1,36,000 और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1,65,000। एक्सपल्स 200 के अंदर आपको 35 KMPL के आसपास की माइलेज मिलेगी
और इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये बाइक ऑफ रोडिंग करने के लिए काफी अच्छी मशीन है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी है, एलईडी हेडलाइट है और रियर में एलईडी टेल लाइट है। बाइक के अंदर 199.6 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन जिसकी मैक्सिमम पावर है 18.08 पीएस, टॉर्क आउटपुट है 16.45 न्यूटन मीटर और बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर्स की है। तो दोस्तों अगर आपको एडवेंचर टूरर टाइप की बाइक परचेज करनी है तो फिर आप हीरो की एक्सपल्स 200 और 204V के साथ भी जा सकते हो। अब बात करते हैं इस लिस्ट की 6 बाइक के बारे में, जो है टीवीएस के अपाचे आरटीआर 204V। आरटीआर 204V एक टिपिकल नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है और बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बाइक के अंदर राइडिंग मोड्स, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल टाइप के फ्रंट फोक्स, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। सो इस बाइक के अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो 200 सीसी सेगमेंट की बाइक्स के अंदर नहीं आते हैं। साथ ही बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS और ड्यूअल चैनल ABS ये दोनों ऑप्शन भी हैं, क्योंकि बाइक के सिंगल चैनल ABS वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,40,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,67,000। ड्यूअल चैनल ABS वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,45,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,73,000। बाइक के अंदर 197.75 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर है 20.82 पीएस, टॉर्क आउटपुट है 16.8 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। सेगमेंट के अकॉर्डिंग बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है और इस बाइक के अंदर भी आपको 40-45 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है और बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि फ्रंट में एलईडी हेडलाइट है, एलईडी DRLs हैं, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स भी हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम फीचर भी है और बाइक के अंदर असिस्ट एंड स्लिपर क्लच भी है और रियर में एलईडी टेल लाइट है। और 200 सीसी सेगमेंट के अंदर ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मशीन है जिसके अंदर फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। सो ये थी 6 नंबर पे टीवीएस के अपाचे आरटीआर 204V। अब बात करते हैं 5th बाइक के बारे में। सो इस लिस्ट में 5th नंबर पे है यामा के FZ25। यामा के FZ25 एक टिपिकल नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की मशीन है जिसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बाइक की परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट पार्ट है इस बाइक की मिड एंड परफॉर्मेंस। FZ25 का एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट है जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,44,600 और बाइक का ऑनरोड प्राइस है 1,70,000। बाइक के अंदर 249 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है जिसकी पावर है 21 पीएस, टॉर्क आउटपुट है 20 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। बाइक की मिड एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस बाइक के अंदर आपको 35-40 kmpl के आसपास की माइलेज मिलेगी। साथ ही इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि इसके इंजन रिफाइनमेंट और इंजन रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बाइक के अंदर इलेक्ट्रिकल फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि फ्रंट में प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट है विद एलईडी DRLs, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, रियर में एलईडी टेल लाइट है और साथ ही बाइक के अंदर स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS भी है और काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर है, रियर में 140 सेक्शन का टायर है। सो यामा की FZ25 भी आप परचेज कर सकते हो और ये बाइक अभी भी इंडियन टूलर मार्केट में एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की 4th बाइक के बारे में। इस लिस्ट में 4th नंबर पे दो बाइक्स हैं जो हैं बजाज की पल्सर N250 और पल्सर F250। ये दोनों बाइक्स इंजन और काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को शेयर करती हैं। N250 एक टिपिकल नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है और F250 एक हाफ फेयरिंग वाली मशीन है। दोनों बाइक्स के अंदर सिंगल चैनल ABS और ड्यूअल चैनल ABS दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। N250 के स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,45,000, ऑन रोड प्राइस है 1,75,000। इस बाइक के ऑल ब्लैक ड्यूअल चैनल ABS वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,50,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,80,000। F250 के भी दो वेरिएंट्स हैं जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,45,000, ऑल ब्लैक ड्यूअल चैनल ABS वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,50,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,80,000। दोनों बाइक्स के अंदर 249 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर है 24.5 पीएस, टॉर्क आउटपुट है 21.5 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। दोनों बाइक्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है और दोनों बाइक्स के अंदर आपको 35-40 kmpl की माइलेज भी मिल जाएगी। दोनों बाइक्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। दोनों बाइक्स में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट है, न्यूली डिजाइंड एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और रियर में न्यू एलईडी टेल लाइट है। और बजाज की ये दोनों बाइक्स N250 और F250 भी वैल्यू फॉर मनी मशीन है जिनको आप 2,00,000 रुपए में परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं इस लिस्ट की 3rd बाइक के बारे में, जो है यामा की MT15। दोस्तों यामा की MT15 अपनी सेगमेंट में सबसे प्रीमियम मशीन है, क्योंकि बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन, असिस्ट एंड स्लिपर क्लच, ये सभी फीचर्स दिए गए हैं। और MT15 का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट और इंजन रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है।
इस बाइक के अंदर आपको 45-50 kmpl की माइलेज भी मिल जाएगी और साथ ही बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है। MT15 वर्जन 2.0 के स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक्चुअल प्राइस है 1,64,400, जिसका ओनर प्राइस है 1,90,000। बाइक के अंदर 155cc का लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 18.4 PS, टॉर्क आउटपुट है 14.1 न्यूटन मीटर विद 6-speed ट्रांसमिशन। बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर्स की है। फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर है, रियर में 140 सेक्शन का टायर है और अपनी सेगमेंट के अंदर बाइक की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है और इसी वजह से ये बाइक अपनी सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल मशीन है। सो दोस्तों, 2 लाख रुपए के अंदर आप यामा की MT15 वर्जन 2.0 को भी परचेज कर सकते हो, लेकिन इस बाइक की पिलियन सीट उतनी अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की सेकंड बाइक के बारे में, जो है रॉयल एनफील्ड की न्यूली लॉन्च्ड बाइक हंटर 350। दोस्तों, हंटर 350 एक रोडस्टर टाइप की मशीन है, जो रॉयल एनफील्ड के लाइनअप के अंदर सबसे चीपेस्ट मशीन है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के लाइनअप के अंदर इस बाइक का प्राइस सबसे कम है और रॉयल एनफील्ड के लाइनअप के अंदर ये बाइक सबसे लाइटवेट है, जिसका वेट बाकी बाइक से 20-25 kg कम है। हंटर 350 के स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस है 1,50,000, ऑन रोड प्राइस है 1,82,000। इस बाइक के मेट्रो वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस है 1,64,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,98,000 और बाइक के टॉप मॉडल का एक्सशोरूम प्राइस है 1,67,000 और ऑन रोड प्राइस है 2,03,000। सो हंटर 350 को भी आप 2 लाख रुपए में परचेज कर सकते हो। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके ओवरऑल लुक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। बाइक के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, जिनके साथ में फोक गेटर्स यानी कि सस्पेंशन कवर्स दिए गए हैं और इसकी वजह से बाइक के फ्रंट लुक्स काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाइक न्यू रेट्रो टाइप की मशीन है, जिसके अंदर फ्रंट में राउंड शेप्ड हैलोजन हेडलाइट है, राउंड शेप्ड इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और राउंड शेप्ड ही टर्न इंडिकेटर्स हैं और LED टेल लाइट है। इस बाइक के अंदर आपको 35 kmpl के आसपास की माइलेज मिलेगी। बाइक के अंदर 349cc का एयर कूल्ड इंजन है, जिसकी पावर है 20.4 PS, टॉर्क आउटपुट है 27 न्यूटन मीटर विद 5-speed ट्रांसमिशन। बाइक के अंदर काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं और बाइक के अंदर स्पोक व्हील्स और अलॉय व्हील्स दोनों ऑप्शन हैं। सो ये थी सेकंड नंबर पे रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। इस बाइक के अगर आपको लुक्स पसंद हैं और आपको रॉयल एनफील्ड की ही बाइक परचेज करनी है, तो फिर आप हंटर 350 को भी परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 बाइक के बारे में, जो है TVS की Ronin 225। दोस्तों, TVS की Ronin 225 अपनी सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट लुकिंग मशीन है और बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे प्रीमियम कंपोनेंट्स भी हैं। तो इस बाइक की सबसे बड़ी USP है, जैसे कि प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, बाइक के अंदर असिस्ट एंड स्लिपर क्लच भी है और साथ ही एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और एडजस्टेबल क्लच लीवर भी है और TVS ने इस बाइक का प्राइस काफ़ी सही रखा है। ये बाइक अपनी सेगमेंट में बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है, जिसके लुक्स अगर आपको पसंद है तो फिर आप ये बाइक परचेज कर सकते हो। और इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि इसके अंदर आपको 40-45 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। बाइक का एक्सशोरूम प्राइस 1,49,000 से लेके 1,71,000 तक है और ऑन रोड प्राइस बाइक का 1,79,000 से लेके 2 लाख रुपए तक है। बाइक के अंदर 225.9cc का एयर कूल्ड इंजन है, जिसकी पावर है 20.4 PS, टॉर्क आउटपुट है 20 न्यूटन मीटर विद 5-speed ट्रांसमिशन। सेगमेंट के अकॉर्डिंग बाइक के ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है और बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर्स की, जो सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS और ड्यूअल चैनल ABS दोनों ऑप्शन दिए गए हैं और टायर्स का साइज भी काफी अच्छा है, क्योंकि फ्रंट में 110/70 सेक्शन का टायर है और रियर में 130/70 सेक्शन का टायर है और दोनों ही काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं और बाइक का वेट है 159 kg। बाइक का पावर टू वेट रेशियो भी काफी अच्छा है और साथ ही बाइक के अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर सारे फीचर्स काफी अच्छे हैं और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ ही बाइक के अंदर ABS के मोड्स भी हैं, जैसे कि रेन मोड, अर्बन मोड और साथ ही बाइक के अंदर असिस्ट एंड स्लिपर क्लच भी है, जिसकी वजह से बाइक की गियर शिफ्टिंग काफी स्मूथ है। सो दोस्तों, ये थी सबसे पहली बाइक TVS की Ronin, जिसको आप 2 लाख रुपए के अंदर परचेज कर सकते हो। सो गाइज, ये थी वो टॉप 10 बेस्ट बाइक्स जिनको आप इंडियन टूलर मार्केट में 2 लाख रुपए में परचेज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इन सभी बाइक्स में से आपको कौन सी बाइक सबसे बेस्ट लगती है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।